हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनोराज एपेटाइजिंग रेसिपीज़ में। आज हम बनाने वाले हैं बालोर फली की कड़ी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं कड़ी बनाना। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बालोर फली की कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बालोर को अच्छी तरह से तोड़ के रखा हुआ है और अब इसे थोड़े से पानी में उबाल लूँगी। जब तक हमारी बालोर उबल रही है, हम तब तक कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में लगभग 2.5 चम्मच के करीब बेसन लिया है और अब इसमें ले रही हूँ मैं नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि खट्टी चीज़ों में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। और थोड़ी सी हल्दी डाली है यहाँ पे। थोड़ा सा नमक कम लगने की वजह से मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी का मेन इंग्रेडिएंट, दही या छाछ। दही या छाछ आपका खट्टा हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसी से ही आपकी कड़ी में खटास आएगी। छाछ यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि दही के सारे लम्प्स अच्छी तरह से टूट जाएं। उसके लिए देखिए, मैंने दही डाल करके इसे अच्छी तरह से फेंटना चालू किया है। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया है। जब तक मेरे दही के पूरे लम्प्स नहीं टूट जाते हैं, मैं इसे इसी तरह से फेंटूँगी। दही के लम्ब्स टूटने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जब ये लम्ब्स टूट जाए तो थोड़ा सा दही और ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। कड़ी आपको कितनी खट्टी रखनी है, आपका दही कितना खट्टा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे दही की मात्रा कम या ज़्यादा करनी है। जब आपका दही अच्छी तरह से फिट जाए तो आप इसमें और पानी ऐड कर दीजिए और फिर इसे और अच्छी तरह से मिला करके रख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि पूरा पानी अभी नहीं डालना है, क्योंकि जब हम बघार लगाएंगे तब हमारे इस बर्तन को भी हम पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें डालेंगे तो हमारी कड़ी में और उस वक्त पानी डालना होगा। अब इसे एक साइड रख करके हम हमारी दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कूटनी में थोड़ी सी लहसुन ली है और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च उतनी ही लीजिए जितनी तीखी आपको कड़ी करनी है, क्योंकि हम कड़ी में लाल मिर्च नहीं डालने वाले हैं। ये देखिए, मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया है, लेकिन उसे एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा दरदरा ही रखा है। और हमारी बालोर भी उबल के ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसे पानी में से निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम इसे थोड़ा सा निचोड़ेंगे ताकि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। बालोर को उबालने का पर्पस ये है कि इसका जो हरापन होता है, इसका जो पत्ते वाला जो स्वाद होता है, वो थोड़ा सा निकल जाए। इसके बाद हम बघार की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और अब हम इसमें बघार के लिए तेल डालेंगे। यहाँ लगभग मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है और अब इस तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे राई। राई के अच्छी तरह से तड़क जाने पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ। सौंफ डालने से हमारी कड़ी की खुशबू और रंगत बहुत ही निखर कर आती है। और साथ ही में डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। हींग और सौंफ के इस बघार की खुशबू आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इससे स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैंने इसमें डाला हुआ हमारी कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्ची। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकने देना है, थोड़ा सा पक जाए उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारी उबली हुई बालोर को और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिल जाने पर अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं।
सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। ध्यान रखिएगा, हमने कढ़ी की घोल में भी नमक डाला है, तो इस सब्ज़ी में जितना स्वाद चाहिए हमें नमक का, उतना ही नमक हम इसमें डालेंगे और उतनी ही हल्दी इसमें डालेंगे। मिर्ची की इसमें हमारी हरी मिर्ची इसमें डली हुई है जो बहुत ही काफ़ी है, तो हम इसमें कोई मिर्ची नहीं डालेंगे। मसाले डालने के बाद एक बार फिर से इसे हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं और थोड़ी देर के लिए पकने रख देते हैं। वैसे तो हमारी पालोट पकी हुई है तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में पालोट ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आपकी सब्ज़ी कड़ी के हिसाब से ज़्यादा है, तो आप इस समय में थोड़ी सी सब्ज़ी इसको अलग निकाल सकते हैं, और यदि आप तीखी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो ये सब्ज़ी आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। जितनी एक्सेस बालोर है मैंने उसे यहाँ निकाल लिया है और थोड़ा सा बालोर को कढ़ाई में ही रहने दिया है। और अब बारी आती है हमारे कढ़ी की घोल की, जो हमने तैयार करके रखा है। अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। अब उसी के बाद उसी बर्तन में हम और जितना हमें चाहिए उतना पानी डाल करके इस कढ़ी को जितना पतला और गाढ़ा हमको रखना है उस हिसाब से इसे कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना पतला गाढ़ा आपको दिखाई दे रहा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस आपकी कढ़ी में आएगी, तो आप उसी हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। कई लोग बहुत गाढ़ी कढ़ी खाना पसंद करते हैं और कई लोग पतली कढ़ी खाना पसंद करते हैं, तो पानी आप उसी हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, मैंने अपनी कढ़ी को ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है ना ज़्यादा पतला रखा है। चावल खाने के लिए या ऐसे ही कढ़ी को पीने के लिए मुझे ये कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी लगती है। अब बारी आती है कढ़ी को उबालने की। कढ़ी को आप जितना हो सके उतना उबालिएगा और फिर उसके बाद में फाइनली धनिया डाल करके आपकी कढ़ी पक जाएगी। मैंने उबालने का हिस्सा आपको नहीं बताया क्योंकि वो बहुत देर उबाला जाता है। आप इसको अच्छी तरह से उबालिएगा, ये जो झाग है वो दिखने बंद हो जाए उतनी देर आप इसको उबालिएगा। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी बालोर वाली कढ़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं और हमारी कढ़ी खाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, आपको ये कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बताइए। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।